आज डंपर के आगे खड़े हैं, कल चलते हुए डंपर के आगे लेट जाएंगे। अब देखते हैं लाशों के ऊपर कितने फ्लाईओवर बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है विक्रम रंधावा, प्रदर्शन कर रहे हैं वे मॉल के पास। जो ये पूरा ब्रिज का काम, जो फ्लाईओवर का काम जो है वो चल रहा है, उसको रोका गया है। आज डंपर के आगे खड़े हैं, कल चलते हुए डंपर के आगे लेट जाएंगे। अब देखते हैं लाशों के ऊपर कितने फ्लाईओवर बनते हैं। आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कुछ स्टैंड है? मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने से पहले जम्मू को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा जीना मरना जम्मू के लोगों के साथ है, उस नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसके लिए मुझे फख्र है। और मुझे लगता है कि ये जुनून जो है आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी और कार्यकर्ता में नहीं देखा होगा। इंतहा तक जुनून है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी भी कहती है जहां जनता के लिए लड़ना पड़े कूद मरो। तो विक्रम रंधावा और उसकी टीम, हमारे श्याम लंगर जी, कुलवीर चारक जी, तरुण शर्मा जी, अमित गुप्ता जी, महेंद्र शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, हम सब कूद पड़े हैं। अब हम पीछे मुड़के देखने वाले हैं। आखिर में आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है इस काम को यहीं रोककर, ये दीवारें जो हमने गिराई हैं, बाकी दीवारों को गिराकर इस रोड को प्लेन कीजिए, नया डिजाइन जो है वो पिलर्स वाला बना के दिल्ली को भेजिए, पास करवाना हमारा जम्मू का काम रहा। हमारे दोनों MP जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर जी, उसको पास करवा के लाएंगे और वो निर्माण हम करवाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर तो नितिन गडकरी जी की नहीं मान रहे, तो आपकी माने कैसे? जो शरारती बच्चा होता है वो बाप की मार के बारी सुधरता है, ये सुधरेगा। अभी फारगती मिलने की बारिश की आ गई, औलाद खराब निकलती है, ये उन औलादों में से है जो अपने बाप की नहीं मान रहे। आखिर में कोई आपको मैसेज? मेरा मैसेज पूरे जम्मू को है कि इस गर्मी को छोड़िए और सड़कों पे उतरो। ये विक्रम रंधावा या भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं, ये जम्मू की लड़ाई है। बड़ी ब्राह्मणा वालों ने संघर्ष किया था, उनको बेचारों को मुंह की खानी पड़ी, बाद में उनको फ्लाईओवर टूटा हुआ मिला, आज उनके मन की हो। ये 8-9 किलोमीटर का फ्लाईओवर अगर गलती से बन गया, हम लोगों की जिंदगी में कोहराम मच जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेंगी। कारोबार खत्म हो जाएगा? कारोबार तो खत्म होना ही शुरू हो गया है, लाइफ खत्म हो जाएगी। 10 लाख लोग जो प्रभावित होंगे, फ्रूट मंडी, सब्ज मंडी, ये आप ट्रांसपोर्ट नगर देख लीजिए, RTO ऑफिस देख लीजिए, इसके बाद 5 नए रेलवे स्टेशन जो उसका चोरीकरण हो रहा है, उसके बाद स्कूल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के बड़े बड़े स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं। और पहले ये बताइए मेरे को कि कम से कम भी ये जितना भी आउटलेट्स यहाँ पे कमर्शियल खुले हैं, एक आउटलेट के अंदर कम से कम भी 200 से 250 आदमी जो है काम करता है। जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा वो बंद होंगे और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका जिम्मा जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर आएगा। पहले तो हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का विरोध कर रहे हैं और पिछले दिनों भी उनसे बात हुई थी कि इस हाईवे का जो प्रोजेक्ट का काम है उसको रोका जाएगा, तो जो रोकने के बजाय इसको और फास्ट किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जो जम्मू के साथ ये बेइंसाफी क्यों हो रही है। कजवानी से लेके सिद्धड़ तक का जो ट्रैक है, जो सारा ब्लाइंड बाल पे बनाया जा रहा है, आपको पता होगा आज से 15 साल पहले बड़ी ब्रह्मणा में भी एक छोटा सा ट्रैक जो बड़ी ब्रह्मणा मार्केट का था, वो भी ऐसे ही बनाया गया था ब्लाइंड ट्रैक। आज उसको तोड़ के नेशनल हाईवे ने दोबारा से पिलरों पर तैयार कर रहे हैं, तो इस जगह पे क्यों इसको ट्रैक को बनाया जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही है। अगर दिल्ली से लेके कटरा तक का ट्रैक देखा जाए, कहीं पे भी 12 से 15 किलोमीटर का ट्रैक ब्लाइंड ट्रैक पे नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ ये जो गवर्नमेंट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी धोखा कर रही है, उनका जो बिजनेस है उसको स्लैब करने के लिए ये एक योजना तरीके से ये हरकतें की जा रही है। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिक्वेस्ट भी की थी, आज उनको वार्न करते हैं कि अगर इस काम को रोका नहीं गया तो हम लोग रोडों पे आके ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। दूसरी बात मैडम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में और आज हिंदुस्तान में NDA की दोबारा से गवर्नमेंट फ्रेम हो गई है। हमारे जम्मू कश्मीर से, जम्मू से खासकर 2 MP और 1 PMO में मंत्री हैं, नलायक MP बोलो या MP बोलो, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, और PMO में मंत्री थे जो जब ये प्रोजेक्ट पास हुए, क्या वो सोए हुए थे? उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे जम्मू के साथ, खासकर हम उनके क्षेत्र के साथ बदनाम ये बेइंसाफी जो हो रही है उसको क्यों नहीं रोका? और आज भी फिर से वो PMO में मंत्री हैं, उनको बहुत अच्छे मैनिफेस्टो मिले हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा करके उनके बिजनेस को तोड़ मरोड़ के, जे जब हमने आपको पता है जहाँ पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, जब जहाँ डैमेज किया गया था ये जहाँ पे, तभी ये लोग रोड़ों पे आए थे, उसी चीज़ का बदला लेने के लिए BJP ने ये प्रोजेक्ट पास किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और NDA गवर्नमेंट को जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, उनके बिजनेस, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। ये बार न है BJP के लिए।